जीटीवी के पॉपुलर शो कुंडली भाग्य में आखिरकार करण और प्रीता एक होने ही वाले हैं अब, क्योंकि करण और प्रीता दोनों के ही पेरेंट्स ने करण और प्रीता के रिलेशनशिप को अप्रूव कर दिया है। शो में अब तक हमने देखा है कि किस तरह से सरला को अरेस्ट कर लिया गया था और इसके पीछे शर्लिन का हाथ था, लेकिन ऋषभ ने अगर मदद नहीं की तो क्या हुआ। करण प्रीता के लिए हमेशा ही खड़े थे। करण ने प्रीता की मदद करते हुए सरला को जेल से छुड़ाया था और साथ ही शर्लिन का असली चेहरा भी सबके सामने उजागर किया था। अब इस बात से प्रीता करण को काफी धन्यवाद देना चाहती है, क्योंकि करण के इस बिहेवियर पे प्रीता को काफी खुशी है। अब करण भी इस बात को लेकर काफी खुश है क्योंकि प्रीता खुश है, लेकिन करण तब इमोशनल हो जाते हैं जब वो प्रीता और सरला को एक साथ इमोशनल होते हुए देखते हैं। अब इसके साथ ही आने वाले एपिसोड में व्यूवर्स देखने वाले हैं कि जानकी और दादी दोनों मिलकर ये फैसला करते हैं और उन्हें ऐसा लगता भी है कि करण और प्रीता एक दूसरे के लिए ही बने हैं, लेकिन प्रीता को जब ये बात बताते हैं तो प्रीता इन सभी बातों पे यकीन नहीं करती। वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, उनकी और करण की शादी नहीं हो सकती। लेकिन अब आने वाले एपिसोड में देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या करण और प्रीता को वाकई में एक दूसरे के प्यार का रियलाइज होता है। आपको क्या लगता है शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, और टीवी जगत की तमाम ऐसी चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम टाइम।